आज संबलपुर में हम देख सकते हैं ईद। ईद बड़े धूमधाम से मनाई गई, शांतिपूर्वक मनाई गई। ईद के अवसर में संबलपुर प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट, हर कोई सतर्क था, हर तरफ पुलिस है, क्योंकि ईद बड़े धूमधाम से मनाया जाए इसके लिए यह कार्यक्रम किया गया। आइए आपको दिखाते हैं संबलपुर में पलटन मस्जिद के पास किसने बड़ी धूमधाम और हर तरफ पुलिस प्रशासन होने के बाद भी। हाँ भाई आइए, थोड़ा ईद के बारे बोल दीजिएगा। हाँ आज हम सब नवाब भाई, सर आज वो ईद हुआ, आपके यार माहौल भी थोड़ा ठीक नहीं था, ईद आज कैसा लगा सर आपको, कैसे किया गया अपना सर? हाँ बहुत 30 रोजा 30 तरावी पढ़ने के बाद में, एक साल के बाद में ये रमज़ान का समय आता है और 30 रोजा रहने के बाद में ईदगाह में नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन कुछ हालात को देखते हुए हमारे मुस्लिम भाई और कुछ जो दुर्घटना जो घटी हुई थी उसको शांतिपूर्ण करने के लिए बहुत दुखी की बात है, इसके वजह से हम लोग ईदगाह में नमाज नहीं पढ़े और खुद भी सही से ईद नहीं मनाए, इसके वजह से कि हम लोग को भी बहुत दुख है कि संबलपुर एक शांतिपूर्ण शहर है, कैसा शांति बना रहे इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। संबलपुर एक बर्फ़ का पहाड़ है जो चारों तरफ से लोग जो आग लगाना चाहते हैं वो हम आग को मिटाना चाहते हैं और संबलपुर में फिर से शांतिवरण बनाना चाहते हैं और शांति का पैगाम सभी को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने नवाब भाई से सुना क्या है कि हम लोग ईद मनाए, जो खुशी मिलनी थी वो खुशी नहीं मिली, लेकिन ईद हमारी मनाई गई त्यौहार है, जो हम लोग जो 30 रोज़ा रखते हैं और रोज़ा के ऊपर में भी आज ख़त्म भी हो जाएगा, ईद भी मनाया गया और एक दूसरे को बहुत बधाई भी दी गई। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।